94 न्यूज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली मुर्तजा सोलंकी है, मैं फाउंडर और सीईओ हूं पोल्टा का। पोल्टा एक स्टार्टअप कंपनी है जो पाकिस्तान से स्टार्ट हुई और इसकी ग्लोबल लेवल पे कोई 3-4 मरतबा ग्लोबल अवार्ड विन किए हैं। और ये अवार्ड विन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पोल्टा जो है ये इन्वेस्टेड है US के बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हैं टिम ड्रेपर, उसके थ्रू उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है। और ये वो इन्वेस्टर हैं जिसने एलन मस्क के भी अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि पेपॉल, टेस्ला और जो स्पेसएक्स इस टाइप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पोल्टा उनमें से एक है। तो हम एक्चुअली जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो फार्मर्स को, कि फार्मर्स जितने भी हैं वो डिजिटाइज हो जाएं, यानी कि अगर एक फार्मर है जिसके पास अगर 50 से 100 या 200 या इवन 10,000 के करीब कंट्रोल शेड है, तो वो सारे के सारे कंट्रोल शेड उसको एक ही अपने मोबाइल के ऊपर आ जाए और वो यहीं देखे, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आना चाहे। जैसे अगर पोल्ट्री फार्म्स के अंदर फार्मर्स अगर फार्मिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो फार्म के इश्यूज़ होते हैं, अब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी वहीं पर प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। और फार्मर अगर कहीं शहर के अंदर बैठा हुआ है तो उसको तो नहीं पता क्या हो रहा है उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, हम मिनट बाय मिनट एक इन्फॉर्मेशन होती है जो शेयर हो जाती है फार्मर के पास, वो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर मौजूद हो। तो इससे होता ये है कि वो फार्मर उस अपने सुपरवाइज़र के लिए और अपने टीम के पास कॉल करता है कि भाई इस तरीके से सही, आपकी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, उसको आप सही कर दें। तो ये पूरी की पूरी फार्मिंग डिजिटाइज हो जाएगी। हमारा जो असल मकसद है वो है पूरी की पूरी पोल्ट्री फार्मिंग को डिजिटाइज करना, यानी कि ग्रैंड पेरेंट से लेके उसकी हैचरीज, उसकी ट्रांसपोर्ट, उसकी लॉजिस्टिक, उसका जो स्टोरेज है, इवन आपकी जो फार्मिंग है ब्रायलर और लेयर के ऊपर, सारी की सारी डिजिटाइज हो जाए जिसके अंदर हम उसको सॉल्यूशन दें। सर, ये आपने कब से ये स्टार्ट किया है, कितना टाइम हो गया इसको? ये हमने कोई 3 साल पहले इसको स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल फंडिंग लेने के बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप किया था। और प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद हमने तकरीबन 100 के करीब कंट्रोल शेड है पाकिस्तान के अंदर जिसको हम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हम जो है ना जा रहे हैं सऊदी के अंदर, इस छोटी कंपनी ने, पाकिस्तान की छोटी कंपनी ने सऊदी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी अल तनमिया, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम रिसेंटली हमने पायलट क्लोज किया है। तो अब पोल्टा जो है ना वो सऊदी अरब जा रही है, सऊदी के अंदर जाके ग्राइंड करेगी, अपना इसको इंस्टॉलेशन करेगी। और इसके अलावा ये कंपनी है पाकिस्तानी लेकिन ये कंपनी जो रजिस्टर्ड है ये US के अंदर सिलिकॉन वैली के अंदर है, जहाँ पे सारी बड़ी कंपनीज फेसबुक, इंटेल, अमेजोन सारी है। तो बेस हम वहाँ से करते हैं। तो रिसेंटली हम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन अब हमारा टारगेट जो है ग्लोबल मार्केट है, जिसके अंदर सऊदी अरब कंट्रीज सारे, यूरोप के अंदर हमारी पार्टनरशिप हो चुकी है सर, और थर्ड जो है ना वो US के अंदर। जी, हम पोलर ट्रेडिंग के स्टॉल पे खड़े हैं तो मालूम करते हैं इनसे कि स्टॉल किसने लगाया गया है और इसकी डिटेल। जी मैम, पोलर ट्रेडिंग जो है ना बेसिक इंपोर्ट कंपनी है, ये हम इंपोर्ट करते हैं टर्की से न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हमारे पास, और हम चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में अपना यूनिट लगा रहे हैं मुल्तान में पोलवेट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्ट है। अभी हमारे पास, जैसा कि आपको पीछे ये नज़र आ रहा होगा, हमारा बड़ा कैमरामैन दिखा सकते हैं, गार्ली फोर्स के नाम से हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ये एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल है, जो ये वायरल डिजीज़ में यूज़ होता है, जिससे बर्ड की फीड इनटेक बेहतर होती है और जो है वो बर्ड वायरल डिजीज़ से जो ना सेफ रहता है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं शमसी पोल्ट्री इक्विपमेंट पे। यहाँ पर ये अकेज मौजूद है, ये एक बहुत ही पाकिस्तान के बहुत पुराने अकेज मेकर है, ये इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। आज हम इनके स्टॉल पर मौजूद हैं तो इनसे बात करते हैं कि इसकी डिटेल बताएं कि यहाँ एक्सपो में कैसे लगाओ। जी, ये इससे पहले हमारी ये प्रोडक्ट थी जो इंपोर्ट होती थी, इससे सदे मुबादला भी काफ़ी खर्च होता था और लोगों को काफ़ी मुश्किल और काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे। हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है और इसको पाकिस्तान के ज़रूरत के मुताबिक ढाला और इसको बनाया, और ये हमारे लोगों को बहुत पसंद है। इसकी सर्विस बाद में बहुत आसान है और लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और आसानी से हर चीज़ आदमी को मैसर है। सर, ये कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इसको करते हुए। मैंने इसको पहले लोकल केज इंट्रोड्यूस कराए थे,
पंजाब में शुरू किए थे, कराची में भी मेरा इसी तरह पूरे पाकिस्तान में कवरेज है ऐसी इसकी, और मेरा काम लाहौर में एक फैक्ट्री और इसके अलावा दूसरी कराची में है, जिससे फार्मर को कवरेज बेहतर मिल जाती है और फार्मर इसको आसानी से हर चीज़ मैसर होती है तो वो आसानी से हम तक पहुंच जाता है, और इसके इंतहाई कम प्राइस है इंपोर्टेड के मुकाबले में, और इसका फंक्शन उसके मुकाबले में बहुत बेहतरीन और बहुत आसान हमने बनाया है ताकि यहाँ की लेबर इसको आसानी से फंक्शनल कर सके। एक्सपो में लगाने का क्या मतलब है आपका? देखिए, हमारी पीपीए की कोशिश होती है कि एक्सपो एक ऐसी जगह इसमें बना दी है कि जहाँ सब लोग पाकिस्तान के फार्मर्स और इससे रिलेटेड लोग मिल सकते हैं और तमाम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, फार्मर को उन प्रोडक्ट के बारे में फैसला करने में और उसको हासिल करने में आसानी रहती है। तो बहुत से फार्मर इसको देखते हैं, आते हैं जिनके इल्म में नहीं होती तो वो इसको देखते हैं और इसके मुताबिक मालूमात लेके और अपने यहाँ लगाने की करते हैं, सोचते हैं। जी नाजी, मेड हाउस के मौजूद हैं जहर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले मेड हाउस के बारे में लोगों को थोड़ा अवेयरनेस है कि क्या? अच्छा, मेड हाउस जी एक बहुत बड़ा ग्रुप है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर चार डिवीजन है बेसिकली हमारी, एक ह्यूमन फार्म है, एनिमल हेल्थ है, डर्मा केयर है, और एनिमल हेल्थ के अंदर आगे फर्दर दो डिवीजन है जिसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल है। तो इसके अंदर अभी रिसेंटली हमने इंजेक्शन भी लॉन्च की जो कि पेंसिलिन ग्रुप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फोर सेगमेंट्स हैं इनिशियली। अच्छा, पोल्ट्री तो ऐसे काफ़ी दिनों से इवेंट्स बंद थे, एग्जीबिशन बंद थी, अब दोबारा ये इनको रिकनेक्ट होने दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली जी, ये एक बहुत बड़ी एशिया की एक्सपो है जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक से लोग तशरीफ़ लाते हैं और अपने अपने रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो अब मुख्तलिफ किस्म के आपके लिंक्स बनते हैं, पाकिस्तान की नो होती है, पोल्ट्री किस रुख पे जा रही है, गवर्नमेंट को पता चलता है इससे, और से बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मुफीद हैं, जो प्रॉन्स की सूरत में आते हैं, तो इस वजह से ये मुनक्किद होना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार अटैच है लोगों का यहाँ पे, लोग अपने अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अच्छा सर, योर जी मेड हाउस, या इस हवाले से आपके जो लिंक के लोग हैं उनको कोई मैसेज देना चाहिए? बस जो भी फार्मास्यूटिकल रिलेटेड लोग हैं या जितने भी हैं, मैं यही कहूँगा कि लोग इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में बाहर से, जो कि ऑलरेडी डॉलर पाकिस्तान की इकानमी डाउन जा रही है, तो पाकिस्तान में इस कैटेगरी की क्वालिटी दी जाए कि जो बाहर के लोगों का इतना ट्रस्ट बिल्ट हो जाए लोकल प्रोडक्ट पर कि उनको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दिस इज़ माई मोस्ट क्रूशल मैसेज टू एवरी वन विच इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैनुफैक्चर ऑफ पाकिस्तान। एस बी फार्मा में मौजूद है, सलमान साहब मौजूद हैं, इनसे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, सबसे पहले सेकंड डे आज का क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा टर्नआउट है, लोग बहुत यहाँ पर पॉजिटिव हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं और लोग मतलब मोटिवेटेड भी हैं। मेरे ख्याल से जितना हमें नुकसान हुआ है, जितना फीड के प्राइसेस और लो पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है उसमें मैंने कहा था लोगों का मोरल्स डाउन होंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। तो हम प्रीटी पॉजिटिव, लोगों के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बाकी है एंड दे रेडी टू फाइट, और इंशाल्लाह हम आगे काफ़ी जाएंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा सर, लास्ट में एस बी फार्मा क्या है, थोड़ी सी बिजनेस लोगों को दे दें? एस बी फार्मा एक मेडिसिन की कंपनी है जो हमने स्टार्ट की थी 1980s में स्टार्ट की थी और निगलेक्टेड कंपनी थी, तो हमने बेसिकली अबू की डेथ से पहले अबू ने इसको वेलफेयर के नाम पे कर दिया था, इट्स नाउ वेलफेयर कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई एम अ चेयरमैन नाउ। तो मैं इसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ कि इस अबू की लेगेसी इससे कायम रहे, बिकॉज अबू का वेलफेयर वर्क बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं चाह रहा हूँ इसके प्रॉफिटेबिलिटी को हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए और इसके जो प्रॉफिट्स आते हैं उसमें लोगों को हेल्प किए जाए और लोगों की फिलैंथ्रोपी पे लगाई जाए। अच्छा, इस वर्किंग के अंदर जो आपका स्टाफ है उसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड वट एवर आई टेल देम दे अचीव इट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपके जी? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, आप मुझे ये बताइए, जो ऑयल रिफाइनरी का जिस ऑयल आपने ये इंस्टॉल लगाया हुआ है एक्सपो में, इसका क्या फ़ायदा है, और ये आप नेशनल बेस पे कर रहे हो या कि पाकिस्तान बेस पे? ये हम लोग बेसिकली पाकिस्तान बेस पे कर रहे हैं और हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह 4-5 हैं काफ़ी, और ये मैंडे का प्लांट है जिसमें ये ऑयल रिफाइनरी सॉल्वेंट वगैरह और सीड वगैरह इम्पोर्ट करके हम लोग क्रशिंग वगैरह के लिए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसका हम लोग।
तो एक्सपो में ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? और भी काफ़ी जगह चल रहा है, लेकिन एक्सपो में फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया इसको, इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसका आप और हमारे तकरीबन रिजल्ट माशाल्लाह फर्स्ट क्लास से अच्छा है। माशाल्लाह हमारे पंजाब के काफ़ी क्लाइंट्स हैं, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी हैं, इस्लामाबाद में, जो इनका प्लांट यूज़ भी कर रहे हैं फिलहाल, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे? फ़ायदे बेसिकली ये कि क्रशिंग और इसका रिजल्ट और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा मेंटेन है, और काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया, और अभी हमारे पास काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिला है, और मज़ीद लोग इंटरेस्टेड भी हैं, तो इंशाल्लाह आफ्टर एक्सपो के बाद हम इस पर मज़ीद वर्किंग करेंगे। जी नाजी, इस वक्त मौजूद हैं बायवर्ड ब्रांड में हमारे साथ, आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत सारे लोग आए, तो अभी इससे आपका तारुफ कराते हैं। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? व्हाट योर नेम? माय नेम इज एरिक and I represent iGrow Chicken. Very well. How to feel today? It's good. It's good to see many people coming to the fair, and it's also good to be back after 3 years. Yes, I was here in 2019, but after that COVID, so no more fairs. Today second day is the exhibition. Yes. What's for people? What some words? Yeah. I think the quality of the people is good. Yesterday we saw a lot of Afghani people for some reason. Today I've not seen too many Afghani, but today it's more local Pakistani people. How to brand? My brand. The brand is called iGrow Chicken, and we make software to manage your farm, your hatchery, your feed mill, your slaughterhouse, your egg packing, all these things. And Harry, your dressing is very nice. We're in the chicken business, no? Chicken business. This is the chicken business. With bone. This is still with bones. This is still life. Please say some words for people for Pakistan. Well, thank you very much for the hospitality that I've received here in Pakistan. I enjoy very much to be back. And I hope that farmers, even through the difficult times now with increasing feed prices and so on, still will consider automating their businesses, because ultimately automation and digitization is the future for their business. One message for exhibition? For the exhibition, keep it up. What message? Keep it up. Harry, nice to meet you. थैंक यू वेरी मच। जी नाजी, सेकेंड डे जैसे हम आपको बता रहे हैं और मेड हाउस ब्रांड में हम लोग मौजूद हैं, आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? फरोख मुश्ताक। अच्छा सर, सबसे पहले व्यूअर्स को बताएं मेड हाउस के बारे में, थोड़ी डिटेल बताएं। मेड हाउस जी ये एक ग्रुप है, और इसमें मेड हाउस न्यूट्रास्यूटिकल्स है, मेड हाउस फार्मास्यूटिकल्स है जी, ठीक है, इसी तरीके से मेड हाउस डर्मा केयर है। तो हम लोग जो है वो वेटरनरी लाइफ स्टॉक पोल्ट्री जो है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन की न्यूट्रास्यूटिकल्स रेंज भी है हमारी, और फार्मास्यूटिकल्स रेंज है जी। तो सर आज सेकंड डे है जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज सेकंड डे जी? एक्सपो के हवाले से आप बात अगर करें तो एक्सपो जी एक बड़ा अच्छा इवेंट है, एक मार्केट प्लेस है बेसिकली। ये 2-3 साल बाद हो रहा है, कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली बीच में गैप आ गया था जी जी। और हम लोग भी इसमें पिछले कोई 3-4 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सपो के अंदर, तो ये एक बड़ा अच्छा B2B प्लेटफॉर्म है। और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर एक बड़े अच्छे तरीके से इस सेक्टर के अंदर सर्व कर रहा है इस इंडस्ट्री को, जहाँ पे इस इंडस्ट्री के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक फोरम पर इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे जो है वो एक गेट टुगेदर होता है, और एक दूसरे के बारे में जो है वो उनकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो अच्छा सर, एक और चीज़ है कि थोड़ा अर्सा पहले यू नो के जो वायरस इशू हुआ था, लोग फेडअप हो गए थे चिकन, तो उस वाले से भी मैसेज देना चाहिए लोगों को अवेयरनेस करने। कौन सा वायरस? अभी तक चिकन में लास्ट टाइम जी जी बिल्कुल, इस तरह के र्यूमर्स जो हैं वो फैलते रहते हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि जो है वो हमारी जो इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ये बड़ी सेफ़ है, सेफ़ चिकन है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जो मीट की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर रही है इंडस्ट्री। तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई ऐसा आउटब्रेक नहीं हुआ वायरस का काफ़ी एक लंबे अरसे से, तो इसलिए कोई ऐसा कोई वो नहीं। बाकी जो डिजीज हैं पोल्ट्री की अपनी बर्ड की, उसके हवाले से तो चलते रहते हैं, वो वेदर पे भी डिपेंडेंट है, वो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंडेंट है,
तो बाकी अगर ह्यूमन के लिए जो है वो एक सेफ इंडस्ट्री है। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? शफीक जी। शफीक साहब आप ये बताएं, ये जो आज आपने एक्सपो सेंटर में अपना ये स्टॉल लगाया हुआ है, इसकी क्या फायदे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए। मैडम हम बेसिकली पोल्ट्री इंडस्ट्री से ताल्लुक है हमारा, और मुर्गी या पोल्ट्री जो है वो हर घर की पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम पोल्ट्री प्रोड्यूस करने में फार्मर की हेल्प करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोग जो है ना मुर्गी और उसकी प्रोडक्ट खाते हैं। अब ये स्टॉल जहाँ पे हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का जितने भी लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं वो यहाँ हैं, और जो विजिटर हैं वो आते हैं यहाँ, हर साल नई इनोवेशन होती हैं वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसमें फार्मर है, कंसल्टेंट है, उनको बात करते हैं ताकि जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने में हेल्प हो। ये जो आपकी वैक्सीनेशन है, इससे मुतालिक बताइएगा कि मुर्गियाँ कितनी दिनों में तैयार हो जाती हैं और कब तक सेहतमंद और जिंदा रहती हैं? वैक्सीनेशन का मुर्गी की तैयारी में कोई रोल नहीं है। वैक्सीनेशन सिर्फ मुर्गियों को मुख्तलिफ बीमारियाँ से बचाती है ताकि जब वो बीमारियाँ अटैक करें मुर्गी में उनके खिलाफ मुजामत हो और वो बीमार ना हो, ताकि फार्मर जो है वो अपनी जो मुर्गी है टाइम पे हेल्दी बेच सके। और ये जो आप फीड वगैरह दे रहे हैं इसके मुताबिक कुछ बताएंगे? फीड हमारी अब फीड है, आप मैं आपको बता दूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि आपने या मैंने सुबह से कितने किलो प्रोटीन लिया है, क्या फैट लिया है, कौन से विटामिन लिए हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम जो मुर्गी को देते हैं वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, ना एक ग्राम ज़्यादा ना एक ग्राम कम, इसीलिए वो फीड इंतहाई बैलेंस होती है, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ एनर्जी, जो मुर्गी को चाहिए, ना एक ग्राम ज़्यादा ना एक ज़्यादा का ग्राम कम, इसलिए उस फीड का असर मुर्गी पे ऐसा पड़ता है कि वो अपने रिक्वायर्ड टाइम में तैयार हो जाती है। DMG ग्रुप के स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ बात करते हैं इनसे, इनके आज के दूसरे दिन के बारे में कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सद्दाम है, मैं DMG में एज ए ग्रुप हेड काम कर रहा हूँ। डाइवर्सिफाइड मार्केटिंग ग्रुप जो है ये 20 साल पुरानी कंपनी है, और हम वेटनरी में पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक दोनों की प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे मार्केट करते हैं, और एक्सपो जो है हमारी ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट जा रहा है, काफ़ी लोग का रश है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री, एग प्रोटीन और चिकन के बारे में जो है वो आगाही ले रहे हैं, और काफ़ी कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक्सपो है, और भी लोग जो है वो इसमें बैरून ममालक से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल है और मैं DMG ग्रुप में एज अ टेक्नो कमर्शियल मैनेजर अपने जो है वो प्राइस सर अंजाम दे रहा हूँ। इस तरह के जो एग्जीबिशन हैं इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है और जो एट दी एंड जो कंज्यूमर है उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो पोल्ट्री को लेके बहुत सारी जो है वो मिथ्स पाई जाती हैं, वो पोल्ट्री एग्स की बात हो, वो पोल्ट्री मीट की बात हो, तो लोगों के अंदर जो बहुत सारी सोशल मीडिया पे इस तरह की फेक न्यूज़ चलती हैं कि ये मीट सेफ़ नहीं है, एग सेफ़ नहीं है, तो इस तरह के एग्जीबिशन जब एक छत तले इतनी ज़्यादा कंपनीज आई होती हैं तो जहाँ पे वो बिज़नेस की बात हो रही होती है, बिज़नेस टू बिज़नेस काम होता है, वहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस पे भी काम होता है। तो एग्जीबिशन में यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल जो हैं वो सेशंस होते हैं जहाँ पे ये कंज्यूमर को ये आगाही दी जाती है कि जो पोल्ट्री है ये एक प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स भी है और एक अच्छा सोर्स है। इसके एनिमल प्रोटीन अगर हमने अपनी पूरी करनी है, जिसमें अभी भी हम डेफिशिएंट हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिकमेंडेशन से अभी भी हमारी एनिमल प्रोटीन की जो सप्लाई है वो कम है, तो उसके लिए पोल्ट्री एक बहुत अच्छा सोर्स है। और इस तरह के एग्जीबिशन जो हैं वो होते रहने चाहिए और इनका जो है वो बिजनेस को और कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम यहाँ पर ऑटो में फार्मा के स्टॉल पर मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, आप इनसे मालूम करते हैं स्टॉल की अफादियत और इसके मामलात में जितनी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की इंफॉर्मेशन और डिटेल। जी अच्छा, ये आईपेक्स 2022 इसमें हमने ऑटोमैन फार्मा अमीनो डिवीजन में अपना स्टॉल लगाया। बेसिकली हम पोल्ट्री में लोकल वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लोकल वैक्सीन क्या हैं, हम यहाँ के वायरसेस को बेसिकली ये वायरसेस वायरल वैक्सीन हैं, हम लोकल वायरसेस के जहाँ किसी भी फार्म पे आउटब्रेक आती है वहाँ से जाके वायरस को आइसोलेट करते हैं, और हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है और उसके मुताबिक इसको प्रोसेस करके इसको कन्वर्ट करते हैं वैक्सीन में। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारी स्पेशलिटी ये है
कि जो आपको इम्पोर्टेड वैक्सीन मिल रही है, इम्पोर्टेड वैक्सीन में इम्पोर्टेड वायरस है, वो बाहर के मुल्क का वायरस है, उनका अपना एक सीक्वेंस है। अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो वो हेट्रोलोगस टू आवर एनवायरमेंट है। हमारे जो लोकल फील्ड स्ट्रेंथ हैं या वाइल्ड स्ट्रेंथ हैं जो बीमारी काज कर रहे हैं यहाँ पर, वो कुछ और हैं, और जो इम्पोर्टेड वैक्सीन में उनके वायरसेस कुछ और हैं। तो लिहाजा इनकी होमोलॉजी होना, इनका एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। हम ये स्लोगन लेके आए कि हम जो वैक्सीन बना रहे हैं आपके अपने मुल्क के वायरसेस से बन रही हैं, और ये आपकी वैक्सीन उन वायरसेस या उन वैक्सीन के बरक्स बहुत अच्छा काम करेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रही हैं। हमें इसमें एक अच्छी, इसमें अभी तक एक सक्सेस मिली है, और हम इसको मज़ीद इसमें वैरायटी लेके आ रहे हैं, इस रेंज को बढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे इसमें इंशाल्लाह। सर आप ये बताइए कि ये जो आपकी वैक्सीनेशंस हैं और ये फीड्स वगैरह हैं, इससे मुर्गियाँ कितने लंबे अरसे तक जी सकती हैं? देखिए, वैक्सीन एक अलहदा इशू है। इस वैक्सीन आप करवाते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, चाहे वो इंसानों में हो या एनिमल्स में हो। कुव्वत मुदाफ़ियत आपने उस लेवल पर बनानी है, हम टेक्निकली इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेवल। आपका प्रोटेक्टिव लेवल वो है, हमने लेबॉरेटरी में इन वैक्सीन को स्टैंडर्डाइज किया है और एक लेवल निकाल लिया है कि अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत इस वायरस के अगेंस्ट इस लेवल पे होगी तो नेचुरल जो वाइल्ड वायरस है वो मुर्गी को हिट नहीं कर पाएगा, डिजीज़ नहीं काज कर सकेगा। तो अब हम जो अपना क्लेम देते हैं, हम ये कहते हैं आप एक प्राइमिंग का पहला शॉट करवाएँ वैक्सीन का, उसके बाद एक बूस्टर शॉट करवाएं, तो एक साल के लिए आपकी मुर्गी को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो एक साल तक आपको मजीद कोई वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और ये होमोलोगस वायरस है, एक साल तक आपको ये इंशाल्लाह ताला प्रोटेक्शन देगा। नाइन्टी फोर न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।